एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रतिक्रिया। मेरा नाम पायल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी चैनल के लिए वीडियो से उनकी अपडेट्स सब तक फटाफट से आ जाए। सो आज का जो वीडियो इस पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं जो कि ट्रेलर है इस मूवी का जिसका नाम है और थर्सडे एंड जो कि OTT पे यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाली है। सो ये जो है थर्सडे इसमें स्टार कास्ट में बहुत ही अच्छी फीमेल स्टार कास्ट मुझे लग रही है जैसे कि इसमें यामी गौतम है, अतुल कुलकर्णी है, नेहा दुबिया है, सो करणवीर है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टार कास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे लगता है मज़ा आएगा देखने में। एंड ये आज इंडिया में नंबर 9 पे ट्रेंडिंग है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सो हम लोग पहले ये ट्रेलर देखते हैं फिर हम लोग बात करते हैं कि इस बार इसमें क्या हमको देखने को मिलता है। बोला मैं कोलाबा के लिटिल डॉट्स प्ले स्कूल से बात कर रही हूँ। नैना जायसवाल यहाँ की टीचर है। मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। मैं ACP कैथरीन अल्वारेस बोल रही हूँ। घर में और कौन कौन है? मेरी हेल्पर सावित्री और एक बच्ची का ड्राइवर। नैना लिसन टू मी। नो यू लिसन टू मी। मुझे जावेद खान से बात करनी है एंड यू आर 1 आउट। हेलो नैना, क्या चाहिए आप? 5 करोड़ हो जाएगा और उसके बाद आप बच्चों को छोड़ दोगी। सिर्फ एक बच्चा बाहर है, 1 घंटा, 5 करोड़। 16 बच्चों को हॉस्टेज ले लिया है। What is going on, नैना? पागल हो गई है क्या? नैना से बात करनी है प्लीज। मोविन कर क्या रही हो? बच्चों के चिथड़े उड़ जाएंगे कहती। बैक ऑफ जावेद, तुम्हारी हरकतें ही बता रहे हैं कि तुम पागल हो। रियली? तो मेरा असली पागलपन अब देखना। अगर पुलिस ने मेरी डिमांड्स नहीं मानी, हर 1 घंटा 1 बच्चा मरेगा इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखना यह है कि जीत किसकी होगी, पुलिस की या नैना के पागलपन की। मीडिया में मुंह कौन खोला? ये क्या खेल खेल रही हो नैना? सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बता रही हो? I want to speak to the Prime Minister of India. क्या कहा? फिर से बोलू? मैम, इस हॉस्टेज सिचुएशन मामले में आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपने नैना से बात की? अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो अगले बच्चे की मौत के जिम्मेदार हमारी माननीय प्रधानमंत्री होंगी। Keep the commandos on standby. नैना! साले, क्या छुपा रहा है तू नैना के बारे में? I am not a puppet. जावेद खान, मैंने कहा था ना, A4 आकाश। ना थ्रिलिंग है ये ट्रेलर। मुझे तो लगता है कि एक बार में किसी का भी मन नहीं भरने वाला है ट्रेलर देखने के लिए, वो दोबारा देखने वाला है। एंड मुझे लगता है आप मुझे 17 फेब का बहुत ही इंतज़ार है क्योंकि ये रिलीज होने वाली है। एंड जिस तरीके से यामी गौतम ने इसमें एक्ट किया है सो आई एम श्योर इसके पहले हमने यामी को इस तरह नहीं देखा है। मुझे लगता है एक मूवी थी उरी में आई गेस हमने देखा है थोड़े से वैसे रोल में, नॉट दैट इतना उसमें फिल्म था या वैसे कुछ, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें नेहा दुबिया का मुझे कुछ अभी तक नहीं दिखी होती थी और जो यामी गौतम जो है वो जान है इस रोल के लिए थी, तो बहुत ही थ्रिलिंग लगा है। मुझे स्टोरी जो है हॉस्टेजेस अगर मैं जब भी सुनूँ तो मुझे मनी हाइस्ट की ही याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मनी हाइस्ट का जैसा कि वो हॉस्टेजेस को रख लेते हैं फिर डिमांड्स जो उनकी पूरी करते हैं सो ये भी समवॉट उसी के तरह है। एंड एक और अभी कार्तिक आर्यन का मूवी आया था जिसका शायद से नाम मुझे याद नहीं है, उसमें भी नेटफ्लिक्स पर आई थी वो मूवी जिसमें भी मतलब उन्हें रेडियो का जो कॉल आता है एंड वो डिमांड धमाका मूवी का नाम है। सो उन्हें रेडियो के थ्रू कॉल आता है एंड सेम उनको भी प्राइम मिनिस्टर से बात करना होता है, सो समवॉट मुझे उस तरह का लगा है। उतना ही थ्रिल वो मूवी में था, मुझे लगता है उससे डबल इसमें होगा। सो वेट कर दो 17 फेब का जहाँ हमको ये मूवी जो है और थर्सडे ही देखने मिलेगी। सो यार दैट्स इट, यही था मेरा रिएक्शन इस ट्रेलर के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।